नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज लगभग 2 बजे के आसपास हमने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें माननीय महेंद्रपाल सिंह धानकर जी से साफ साफ कहा था और उनके द्वारा बनाई गई पार्टी से कहा, यानी कि भारतीय लोक सेवा दल से कहा था कि हम सभी निवेशकों की भावनाओं से मत खेलिए। अगर आप हम सभी निवेशकों का पैसा नहीं दिला सकते तो आप हम सभी निवेशकों की भावनाओं से मत खेलिए। और साथियों, मैंने उस वीडियो में एक बात और कही थी कि माननीय महेंद्रपाल सिंह धानकर जी, अगर हम सभी निवेशकों के बॉन्ड में जितना पैसा लिखा है उतना पैसा लाकर घर पर दें तो हम सभी निवेशक उनको वोट जरूर देंगे और साथियों उनका साथ जरूर देंगे। क्योंकि साथियों, जो 25 नवंबर को हुआ वो बहुत बुरा हुआ। हम सभी निवेशक जंतर मंतर दिल्ली पर कड़ी धूप में बैठे थे अपने पैसे के लिए, लेकिन साथियों वहां पर सुनने को आता है कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे और आप हमें जिताइए, उसके बाद हम आप लोगों के पैसे का बंदोबस्त करेंगे। ये हम लोगों को समझ में आता है कि आप ऐसा कह रहे हैं। और साथियों, मेरे उस वीडियो पर लोकुश जी ने एक कमेंट किया है, तो चलिए पहले हम जान लेते हैं क्या कमेंट किया है। तू पागल है क्या? महेंद्र पाल सिंह धानगर क्यों पैसा देगा? जब सरकार नहीं सुन रही है तो इसके अलग पार्टी बनाने के अलावा क्या विकल्प था? सब कुछ तो करके देख लिया, यदि अपना एक भी संसद पहुँच जाएगा तभी तो वहाँ कुछ किया जा सकता है, नहीं तो तू खुद बता दे क्या करना चाहिए। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यह सवाल अमेजिंग एंटरटेनमेंट से पूछने के लिए। और साथियों, मैं आप सभी निवेशकों से कहना चाहूंगा, ना कि सिर्फ लवकुश जी को, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के रास्ते पर चलेंगे। जैसे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं वैसे हमें करना है। साथियों, आप लोगों ने सुना ही होगा, जब माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि लोढ़ा कमेटी का घेराव किया जाए तो माननीय महेंद्रपाल सिंह धानकर जी ने उनका विरोध किया था, क्योंकि इन्हें सिर्फ अनिश्चित भूख हड़ताल का 30 दिन का नाटक करना था, उसके बाद अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनानी थी, जो कि उन्होंने ऐलान कर दिया है और वो बना भी लेंगे। और साथियों, मैं ये किसी के कहने पे नहीं कह रहा हूँ, ये साथियों आपको मैं सबूत के साथ बताऊंगा कि माननीय महेंद्रपाल सिंह धानकर जी के पास अमित गर्ग जी ने खुद माना है कि 1000 एकड़ जमीन कब्जा की हुई है, जो कि PACL की है, यानी कि हम सभी पीड़ित निवेशकों की है, जिसकी वजह से लोढ़ा कमेटी कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही है। तो साथियों, शायद आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि हम सभी निवेशक अपना पैसा किस तरह से पा सकते हैं। हमें साथियों यह लड़ाई अब लीगली ही लड़ना पड़ेगा, जैसे कि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं। तो साथियों, आज मैं अमित गर्ग जी का एक ऐसा ऑडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि 1000 एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ है और खुद अमित गर्ग जी ने माना है कि हाँ, माननीय महेंद्रपाल सिंह धानकर जी ने PACL की 1000 एकड़ प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए हैं। तो साथियों, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि पहले भुगतान फिर मतदान, और पैसे देने के लिए आओ हमारे मकान, फिर बनाएंगे आपको इस देश का भगवान। और साथियों, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को, ताकि सभी को पता चले कि माननीय महेंद्रपाल सिंह धानकर जी ने 1000 एकड़ PACL की प्रॉपर्टी कब्जे में की है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि PACL और अन्य चीट फंड कंपनियों की जानकारी सबसे पहले पाएं। अमित गर्ग जी बोल रहे हैं सर? जी, अमित गर्ग बात कर रहा हूँ। जी जी, नमस्कार सर, मैं 10 चैनल से बात कर रहा हूँ। सर, आपका 10 चैनल में स्वागत है। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, सारा देश देख रहा है, और आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था सर कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। बिल्कुल। जी जी सर, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी सर, आप थोड़ा बताएं, और मैं सर जानना चाहूंगा कि आप अपने शहर का नाम बताना चाहेंगे सर? मैं उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से बात कर रहा हूं। जी सर, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। जी सर, मैं आपका नंबर और नाम सर स्क्रीन पे शो करूं सर, आप अनुमति देना चाहेंगे? बिल्कुल। मेरा नंबर है। जी जी सर, चलिए बहुत अच्छी बात सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अमित गर्ग जी हैं फिरोजाबाद यूपी से। क्या जानकारी लेना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूंगा कार्यक्रम जी, सॉरी जो भी मैं नाम, मुझे नहीं पता आपका क्या है, जो भी आपका नाम हो। जी जी, मेरा नाम तो अमित गर्ग है, आप भी जान चुके हैं और सभी लोग जानते हैं। जी जी, आपका नाम नहीं पता मुझे। जी जी, तो बात यह है कि आपका जो यूट्यूब चैनल मैंने आज देखा था, ओवरव्यू 1 साल पहले शुरू हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल सर। दो नंबर से लेकर आज
आपका 718वां चल रहा है जी, जी। ओवरव्यू जो आपके व्यूज देखे हैं जी, तो मैं समझता हूँ की लोगों ने एक एवरेज 2000 व्यूज से ज्यादा आपका एवरेज नहीं हुआ है। 2000 व्यूज एक एवरेज की बताओ जी, जी लोग देख सकते हैं, सभी लोग आपका सपना देख सकते हैं 2000 व्यूज से ज्यादा आपका ओवरऑल एवरेज नहीं हुआ जी जी। कुछ आपके मेहनत को छोड़ दिया जाए तो उसमें आपके मुश्किल से 3000 से ज्यादा 7-8 हजार या 8 हजार तक पहुँचे हैं जी जी। कुछ और कुछ जो अखबार उनको छोड़े हैं, जैसे कि किसी डायरेक्टर का बयान का या किसी फिल्मी का आपने दिखाया हो, मैं सोचता हूँ 100 के और 78,000 50,000 यानी कि ओवरऑल जो व्यूज है आपके 2000 तक है जी जी। ठीक जी, गलत तो नहीं है? नहीं नहीं सही है सर जी। दूसरी बात, आपने जो बात की है लोगों के साथ में यूएस के ऊपर या जो भी है भाषा आपने यूज करी वो आपका मैटर है जी, मुझे नहीं पता। मैं भी कभी ऑनेस्ट में था और मैंने काम किया काफी जी, इतना कर सकता था, मेरी ओवर बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि 24 घंटे का स्पेशल होना इनका धंधा था। और आज के बाद 2014 में जो कंपनी वाली हुई तो मैं अपनी मैच्योरिटी भी नहीं दिलवा पाया लोगों को, लेकिन एक लड़ाई लड़नी थी। बिल्कुल आपकी बात सही है, लड़के ऊपर क्या होता था क्या नहीं होता था हमें नहीं मालूम, सीनियर के बतौर हम लोग काम करते थे और सीनियर जैसा हम लोगों को विश्वास दिलाते थे हम काम करते थे। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है जी जी। अब मैं लीगली बात करता हूँ, क्योंकि आपका जो चैनल है या टेलीविजन जी है जो कि लीगली बात करते हैं जी जी, तो लीगल में ये होना चाहिए लीगली डीसी को आप एप्लीकेशन दीजिए, 16 पन्नों की एप्लीकेशन लगवाइए, 3 पन्नों की एप्लीकेशन लगवाइए। मैं उस पर थोड़ा सा डिस्क्लेम करना चाहता हूँ जी जी, बताएं सर। बात यह है कानून का कितना समझते हैं और कानून की जो प्रक्रिया होती है कार्रवाई जी को आप कितना जानते हैं, मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ। बस सर, कानून के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि कानून जो है सर्वोपरि है, लेकिन आज उसकी बहुत गति धीमी है जिसकी वजह से हमको परेशानी झेलनी पड़ती है। जिसको भी न्याय चाहिए उसको थोड़ा काफी मतलब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। जो इंसाफ जब तक मिलता है तब तक वो इंसाफ की मतलब दृष्टिकोण से वास्तव में देखा जाए तो वो ना इंसाफी कहलाता है जी। आगे आप बताएं सर, उसमें क्या कहना चाहते हैं? अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ सर, आप महेंद्रपाल दांगड़ जी से फोन पर बात करिए और उनसे पूछिए कि क्या जमीन उनके कब्जे में है, क्या उन्होंने जमीन किराए पे दी है कि नहीं दी है। अगर वो कहते हैं नहीं दिए किराए पे तो आप मेरे से बात कराइएगा, मैं प्रमाणित कर दूंगा कि उन्होंने कब किसको किराए पे दी थी और उन्होंने कब स्वीकार किया। अरे अरे सर, आपने ये मान लिया ना कि उनके कब्जे में 1000 एकड़ जमीन है और वो सही है? बस ठीक है, आपने ये मान लिया है? मैं मान रहा हूँ 1000 एकड़ जमीन है, आपने कहा सही है, मैं भी मानता हूँ सही है। अब उन्होंने वो जमीन किराए पर दी है, क्या आपको पता है कि किराए पर दी है? अब उसमें से जो पैसा आया वो पैसा कहाँ गया? पहले सुनिए उसमें से जो पैसा आया तो मैंने भी तो वीडियो में यही कहा है, आपने कहा महेंद्रपाल के बारे में मैंने जो जो वीडियो में बताया आपने स्वयं स्वीकार किया कि ये सच है और अच्छा किया है। जब ये सब अच्छा किया है तो मेरा वीडियो जारी होने के बाद इंसाफ दी आवाज ने मेरे वीडियो का विरोध क्यों किया? उनको कहना चाहिए ना ये सच है, हमने कब्जा किया है, हमने किराया लिया है लेकिन आंदोलन पे खर्च किया है। ये चैनल वाला सच बोल रहा है लेकिन पूरा सच नहीं है, ये हमने खर्च जो किया है आंदोलन पे किया है वो उस पर किया हमारे पास नहीं है, क्योंकि मैंने भी वीडियो में यही कहा है कि महेंद्रपाल सिंह जी ने कहा है कि हमने आंदोलन पे खर्च किया है, कुछ गरीब निवेशकों को पैसा दिया है, ये महेंद्रपाल सिंह जी ने कहा है। अगर झूठ वो बोलते हैं कि भाई वो मैंने नहीं कहा है तो मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे वीडियो को चैलेंज करें, ऐसा उन्होंने कहा है तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे वीडियो का विरोध क्यों किया? क्योंकि आपने जो बात कही जो महेंद्रपाल सिंह दानगढ़ ने खुद कही वही बात मेरे वीडियो में आने के बाद मेरे वीडियो का विरोध क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके ये सवाल हो गया, ये आप महेंद्रपाल सिंह से पहले जवाब ले लीजिएगा फिर मेरे को जवाब दीजिएगा।
तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि PACL और अन्य चिट फंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।